अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे के छोटे बड़े स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। इन स्टेशनों को यात्री सुविधा, सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखकर आधुनिक स्टेशनों में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटनी सहित देश के 507 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का वर्चुअल रूप से शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें, कटनी स्टेशन में 30 करोड़ की अनुमानित लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा कटनी मुड़वारा स्टेशन को 20 करोड़ से विकसित किया जाएगा। साथ ही कटनी साउथ स्टेशन को 20.6 करोड़ से विकसित किया जाएगा। मुख्य स्टेशन में पुनर्विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजय पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की कल्पना को हम साकार होते देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन इसका उदाहरण है, जहां हर बड़े छोटे लोग पहुंचते हैं। इन्हें सुविधाओं की दरकार रहती है। आज मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन है। ये हम सभी को गौरव देता है। ऐसे ही स्टेशन बने जहाँ हर सुविधा मौजूद हो, इसे कल्पना को साकार किया जाएगा। कटनी के तीनों स्टेशन कुछ ही समय पश्चात ये सपना हम साकार होते देखेंगे। इसके पूर्व स्टेशन में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे विधायक संजय पाठक ने खूब सराहा। ये अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सा लगने वाला आज ये समारोह रेलवे का। हम लोग पहले सोचा करते थे कि रेलवे की छोटी छोटी सुविधाओं के लिए हमको जूझना पड़ता था। सोचते थे कैसे पूरा होगा, स्टेशन के अंदर साफ सफाई हो, गंदगी हो, पीने का पानी हो, शेड का निर्माण हो, बुजुर्गों के चढ़ने उतरने की व्यवस्था हो। लेकिन आज देखिए आप कि देवदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक साथ पूरे देश भर में 508 स्टेशनों का आज यहाँ पे जीर्णोद्धार और नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कटनी जिले के अंदर, कटनी नगरीय क्षेत्र में 3 रेलवे स्टेशन और तीनों रेलवे स्टेशनों को लगभग 75 करोड़ की लागत से नया जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसमें कि एस्केलेटर से लेकर, शेड निर्माण से लेकर और हाई राइज प्लेटफॉर्म से लेकर, सौंदर्यीकरण से लेकर सारी सुविधाएं, जिसमें बुजुर्गों के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट रहेगी, दिव्यांग विकलांगों के लिए सुविधा रहेगी, आम नागरिकों के लिए खाने पीने से लेकर, पानी से लेकर, बैठने से लेकर, शेड से लेकर सारी सुविधाओं का निर्माण, और साथ ही साथ जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है कटनी और उसके आसपास की, उनका भी चित्रण यहाँ पे होगा। तो एक तरफ जहाँ संस्कृति से जोड़ेंगे, दूसरी तरफ जहाँ यात्रियों को सुविधा होगी, तीसरी तरफ शहर की बुनियादी सुविधाओं को भी रेलवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। फूड कोर्ट से लेके शॉपिंग प्लाजा से लेके सारी सुविधाएं यहाँ पे होने जा रही हैं। ये अद्भुत कार्य है। ये कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। उसके लिए मैं अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और कटनी के हमारे सांसद माननीय विष्णुदास शर्मा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके संसदीय कार्यकाल में हमको ये सुविधा मिली। कटनी स्टेशन को 30 करोड़, मुड़वारा स्टेशन को 22 करोड़ और साउथ कटनी को 21.5 करोड़ की लागत से इसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।